गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल और आज का वीडियो है बहुत ही एक्साइटिंग. मेरे पास एक आई शेडो पैलेट है विच इज ऑसम. सो मैं उसका रिव्यू करने वाली हूँ. आई एम गोइंग टू ट्राई इट आउट ऑन माई फेस फॉर द फर्स्ट टाइम. और अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये जानने में कि वो कौन सा पैलेट है जिसके लिए मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. बट आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, बेल बटन पर हिट कर दिया है सो दैट यू डू नॉट मिस ऑन एनी ऑफ दीज वीडियोज. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो जिस पैलेट की मैं बात कर रही हूँ वो है ये है ब्यूटी ग्लेस का कलर स्टूडियो आई शेडो. एंड लुक एट दिस, मतलब ऑसम है. और अगर आप कलर्स को कोर से देखोगे तो ये जेम्स चार्ल्स एक्स मॉफी पैलेट से काफ़ी मिलता जुलता है, एक्सेप्ट दैट जो बीच का पैन साइज है वो थोड़ा छोटा है. आई थिंक इट इज़ वेरी 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 क्लोज टू जेम्स चार्ल्स एक्स मॉफी पैलेट. एंड पैकेजिंग यू गाइज, जस्ट लुक एट दिस, ऑसम पैकेजिंग है. नाउ दिस डज सेज कि ये PRC में बना है, बट इट ऑल्सो सेज कि ये क्रूल्टी फ्री है एंड इट इज़ गुड फॉर 24 मंथ्स. और अगर इंग्रीडियंट्स की हम बात करें तो इसमें मीका है, टैल्क है, सिलिका है, मिनरल ऑयल है और भी बहुत कुछ हैं. बट इट डजन कंटेन एनी पैराबेंस और SLS भी नहीं है इसमें एज सच जो भी मैंशनड है उसमें. एंड या सो दिस इज़ हाउ द पैकेजिंग लुक्स अप क्लोज. और कार्डबोर्ड पैकेजिंग है सो एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है. एंड दिस इज हाउ द पैलेट लुक्स लाइक अप क्लोज. इज़न्ट इट गॉर्जियस, लाइक इट इज़ ब्यूटिफुल. सो इसी पैलेट से आज मैं अपना फुल फेस करूँगी. एक्चुअली ब्यूटी ग्लेस्ड के हमारे पास और भी आई शेडो पैलेट्स हैं, लाइक वी ऑल्सो हैव दिस पॉपिंग पैलेट जो कुछ इस तरीके का दिखता है. इसमें काफ़ी सारे ग्रीन्स हैं, इट इज़ ऑल्सो क्वाइट सिमिलर, बट फिर भी दोनों में काफ़ी फ़र्क भी है बिकॉज दिस इसमें जो है काफ़ी सारे पिंक टोन्स हैं और इसमें जो है काफ़ी सारे ग्रीन टोन्स हैं. सो इसको हम किसी और दिन बात करेंगे, प्रॉबेबली डिटेल रिव्यू मैं करूँगी. वो जिसके लिए आई एम द मोस्ट एक्साइटेड इज दिस पैलेट राइट हियर. ये भी ब्यूटी ग्लेस का है. फर्स्ट ऑफ ऑल पैकेजिंग यू गाइज, दिस इज लाइक सिल्वर टेक्स्चर्ड पैकेजिंग, बहुत ही गॉर्जियस है. एंड ओपन इट अप यू गेट दिस. सो आपको साइड में सारे न्यूड्स मिलते हैं और मैट्स और शिमर्स का ये मिक्सचर है. एंड सेंटर में यू गेट ऑल दीज गॉर्जियस ब्यूटिफुल कलरफुल आई शेडोज. जस्ट लुक एट दैट. ये सारे आई शेडोज थोड़े से प्राइसी हैं, बट हाँ मैंने सोचा एक वीडियो में एक ही पैलेट से मैं ऑब्वियसली आई मेकअप कर सकती हूँ, सारे पैलेट्स को मैं एक साथ यूज़ नहीं कर सकती. सो आई विल स्टार्ट ऑफ विद दिस वन बिकॉज दिस इज़ द चीपेस्ट वन. हाउ एवर चीपेस्ट होने के बावजूद भी ये काफ़ी एक्सपेंसिव है. आई थिंक दिस वन इज़ फॉर 850 और 900 रुपीज़, विच आई नो इज़ अ बिट स्टीप. बट आप देखो आपको इतने सारे आई शेडोज मिलते हैं एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये काफ़ी पिगमेंटेड भी होंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे रिव्यूज़ ऑनलाइन देख लिए. सो लेट्स started with our eye makeup ASAP. Ignore how my eyebrows look right now क्योंकि उसके लिए भी मैं एक और प्रोडक्ट यूज करूंगी which is this one. ये है स्विस ब्यूटी का आईब्रो पाउडर, नया लॉन्च हुआ, इट इज जस्ट फॉर 199 rupees. ये है स्विस ब्यूटी का आईब्रो पैलेट, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. दिस इज शेड 1, शेड 2 भी मैं आपको दिखा देती हूँ अभी. सो ये है शेड 2 जिसमें सारे के सारे ब्राउन टोन्स मिल जाते हैं आपको. ये जो वाइट आपको दिख रहा है दिस इज एक्चुअली वैक्स, क्लियर वैक्स जिससे आप अपने आईब्रोज को सेट कर सकते हो. एंड रेस्ट तीनों अपने आईब्रो पाउडर्स हैं. सो दिस इज 2. मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो है शेड नंबर 1 बिकॉज मेरे को थोड़ा सा ब्लैक और ब्राउन को मिक्स करना पड़ता है. इसमें भी आपको क्लियर वैक्स मिल जाता है यहाँ पर और साथ में एक मिलता है आपको एक इस तरीके का ब्रश जो कि काफ़ी हैंडी है, इसमें यहीं पे रख जाता है. द पैकेजिंग यू गाइज इज़ सुपर ऑसम, जस्ट लुक एट हाउ. अभी तो मेरे हाथ लग गए हैं, जब मैंने खोला था इट वॉज लाइक सो गॉर्जियस. बिल्कुल कोई भी हाई एंड प्रोडक्ट से आप कंपेयर कर सकते हो पैकेजिंग एंड नॉट द प्राइस. द प्राइस इज ऑसम. इसमें अगर हम इंग्रीडियंट्स की बात करें तो इसमें मीका है, टैल्क है, मैग्नीशियम स्टेरेट है, पैराफिन लिक्विडिन या फिर मिनरल ऑयल भी है और पॉलीब्यूटीन है, डिमेथिकोन है, सिलिका है, पैराबेंस भी हैं इसमें. सो ऑल दोज हु डोंट लाइक पैराबेंस तो आप स्किप कर सकते हो इसको. बट मिरर, जस्ट लुक एट हाउ ब्यूटिफुल एंड बिग दैट मिरर इज. आप पूरा मेकअप कर सकते हो इस मिरर में देख के. तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इन दोनों शेड्स को मिक्स करूंगी एंड देन आई विल जस्ट फिल इन माय आईब्रोज. गाइज अगर आपको स्वेट दिख रहा है ना मेरे फेस पे, दैट्स बिकॉज मेरा AC खराब हो गया है एंड फैन जो है नॉइस करता, सो हेंस पसीना. सो आई एम गोइंग टू डिप द सेम ब्रश इन टू दिस वैक्स एंड सी ये वैक्स कैसे काम करता है.
I'm just gonna set it with this wax. Oh, it's nice. ऐसा लग रहा है जैसे conditioner मिल गया हो. I've never tried wax for my eyebrows. Honestly, this is like the first time I'm doing it. कभी भी नहीं किया मैंने. And बहुत ही बढ़िया तरीके से set हो गई मेरी eyebrows. And this one looks so good. ये वाली थोड़ी सी ऐसे सी हो गई है, but this one looks so good. तो इसके बाद मैं concealer लूँगी और concealer से अपनी eyebrows को clean कर लूँगी. फिर इसको blend out कर लूँगी. मैंने फाउंडेशन ऑलरेडी पहले से किया हुआ था जस्ट टू सेव टाइम. ओके, मूविंग ऑन टू द आई शेडो पैलेट विच आई एम द मोस्ट एक्साइटेड अबाउट. ओके, सो कुछ भी करते हैं. दिस इज नॉट अ मेकअप ट्यूटोरियल बिकॉज इवन आई डोंट नो कि मैं क्या करने वाली हूँ. सो आई एम गोइंग टू गो क्रेजी एंड आई एम गोइंग टू टेक दिस पर्पल कलर बिकॉज मैंने सुना है कि पर्पल कलर आर हार्ड टू मेक. सो लेट्स सी इफ दिस इज मेड प्रॉपरली और नॉट. एंड आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई इट ऑन माई क्रीज. मैंने कंसीलर लगाने के बाद पाउडर नहीं करा था अपनी आईज़ को. सो पिगमेंटेशन जो है ऑब्वियसली थोड़ा और बेटर दिखेगा आपको इस पर. मैं ले रही हूँ दिस पिंक शेड राइट हियर. ये वाला पिंक कलर मैं लूँगी और उससे मैं पर्पल कलर को ब्लेंड आउट करूँगी. देन आई एम गोइंग टू टेक दिस ब्लू कलर राइट हियर और मैं उस पर्पल कलर के नीचे इस कलर को प्लेस करूँगी. उसके बाद मैं ले रही हूँ एक फ्लैट शेडर ब्रश और मैं येलो कलर ले रही हूँ बिकॉज अगेन येलो कलर आर वेरी डिफिकल्ट टू फॉर्मुलेट. सो देखते हैं इसका पे ऑफ कैसा आता है. और फ्लैट शेडर ब्रश से मैं इसको सिर्फ टैप करूंगी. ऊ दैट इज गुड. मैंने कोई फिक्स प्लस यूज नहीं करा, कोई मेकअप फिक्सर यूज नहीं करा. एंड यू गाइस दिस इज ऑसम. आई एम जस्ट टैपिंग इट. मैं ब्लेंड नहीं कर रही हूँ, मतलब ऐसे ऐसे करके नहीं कर रही हूँ, सिर्फ टैप ऑफ कर रही हूँ. एंड द पिगमेंटेशन इज ऑसम. अगर फॉलो ऑफ भी आप देखोगे देर इज नॉट एट ऑल, मतलब ऐसा कोई बहुत क्रेजी फॉलो ऑफ नहीं है. दिस इज ऑल इन रियल टाइम, आई एम नॉट मेकिंग इट अप. ओके, फिर मैं ले रही हूँ एक और फ्लफी ब्रश एंड मैं उसमें यूज करूंगी ये वाला ग्रीन शेड दिस राइट हेयर. और मैं येल्लो और ब्लू को जो है इस ग्रीन शेड की हेल्प से ब्लेंड आउट करूंगी. ऐसा लग रहा है मैंने होली खेली है. आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू गाइज कि सारे कलर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं. मैं पिंक कलर वापस से ले रही हूँ एंड आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई इट वापस से वहाँ पे थोड़ा सा वाइब्रेंट बनाने के लिए. इसके बाद एक फ्लैट शेडर ब्रश ले रही हूँ मैं सेम येलो वाले, थोड़ा येलो कलर हटा देती हूँ. जस्ट लुक एट दैट, लाइक लुक एट दैट, मेरा हाथ येलो हो गया. एंड मैं यूज़ करूँगी ये वाला कलर दिस कलर राइट हियर और इसको मैं इनर हाफ में अप्लाई करूंगी उसी येलो के थोड़ा सा ऊपर नीचे. देखते हैं कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. लेट्स डू इट बिकॉज आई थिंक दिस इज लुकिंग वेरी वेरी क्रेजी विद येलो. दिस इज ऑल्सो प्रिटी पिगमेंटेड. पता नहीं कैसा लग रहा है, आई एम नॉट श्योर. बट हाँ, थोड़ा सा फॉलो ऑफ आया है इस ब्रॉन्ज कलर से तो उसको हम कर लेंगे डस्ट ऑफ. ओके, लोअर लैश लाइन के लिए मैं वो येलो कलर ले रही हूँ और उसको अपनी पूरी लोअर लैश लाइन में स्मोक आउट कर लूँगी. गाइस दिस इज नॉट ए मेकअप ट्यूटोरियल एट ऑल, तो प्लीज़ ये मत कॉमेंट करना कि बहुत बुरा लग रहा है बिकॉज आई नो इट इज़ लुकिंग वेरी बैड. मैं ले रही हूँ ये वाला शेड जो कि सबसे पहले मैं ड्रॉन हो गई थी बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल बर्गंडी शेड दिस वन राइट हियर. एंड इसको भी अपनी लोअर लैश में अप्लाई करूँगी बिकॉज बहुत ही ब्लैक टाइप का लग रहा है. सो दिस इज़ हाउ दिस आई लुक्स लाइक. अब कुछ और कलर्स हम इस वाली आँख पे ट्राई करेंगे. सो फर्स्ट मैं अपना कंसीलर जो क्रीज हो गया उसको ठीक कर लेती हूँ. आई एम टेकिंग अनदर फ्लफी ब्रश. जो इसमें यूज़ किया था वो यूज़ नहीं करा मैंने. I'm going to place this into my crease first. Okay, this is also very very pigmented. बहुत ही थोड़ा apply किया था मैंने. काफ़ी pigmented है. I'm using the same brush और मैं क्या करूँगी अब, I'm going to take this particular shade right in here और इससे मैं इसको ऊपर की तरफ में blend करूँगी इसी eye shadow को. आउटर वी की तरफ में मैं use करूँगी थोड़ा सा ये dark brown वाला shade, this shade right here. This is looking better than this one. Obviously, यहाँ तो मोरनी बागामा हो गई है. So, I'm taking a flat shader brush और ये वाला जो shade है, ये वाला shade, ये एक highlighter shade है. कह
कह सकते हो आप, एक ग्लिटरी शेड है एंड दिस डज हैव अ फॉल आउट. बाकी बस सारे कलर्स में थोड़ा सा किक ऑफ है, ऐसे क्रेजी किक ऑफ नहीं है, बट आई एम लविंग द पिगमेंटेशन यू गाइज, दिस आर ऑसम. और इसको मैं अपने इनर हाफ में अप्लाई करूँगी, आई जस्ट ब्लेंड इट आउट लेटर ऑन, अभी अप्लाई कर लेते हैं. एंड दिस ऑल्सो अप्लाइड सो ब्यूटिफुली. मैं वापस से वो वाले ब्राउन कलर को लेकर के इसको ब्लेंड कर लूँगी. जो भी कलर मेरे ब्रश में रह गया है उससे मैं लोअर लैश लाइन का स्मोक आउट कर लूँगी. वो सेम शेड जो मैंने अपने इनर हाफ में यूज़ किया है उसको मैं थोड़ा सा लोअर लैश लाइन के स्टार्टिंग में और इनर कॉर्नर्स में अप्लाई कर लूँगी. उसके बाद मैं सेम पैलेट ले रही हूँ एंड आई विल यूज इट टू कॉन्टोर एंड ब्लश एंड हाईलाइट बिकॉज इट्स एन एक्सपेंसिव पैलेट एंड आई वॉन्ट कि ये सारा काम कर सके. सो सबसे पहले हम करेंगे कॉन्टोर. मैं ले रही हूँ एक ये वाला ब्रश, थोड़ा सा एंगल्ड ब्रश है. एंड कॉन्टोर करने के लिए आई विल यूज दिस शेड राइट हियर, इसको यूज करके देखते हैं. ओके सो ब्लश के लिए आई वुड प्रोबेबली गो विद दिस कलर राइट हियर. नो, मैं ये वाला कलर यूज़ करूँगी टू ब्लश माई चीक्स, थोड़ा सा ऑरेंजी शेड. एंड आई एम जस्ट ऐसे बहुत सारा ले लिया, देन डस्टिंग इट ऑफ ऑन द बैक ऑफ माई हैंड. एंड उसके बाद वाओ, इट्स सच अ गॉर्जियस गॉर्जियस, कितना सुंदर लग रहा है ये कलर. एक्चुअली आईब्रोज के लिए भी आई कुड हैव यूज दिस पैलेट. ये वाला जो दो शेड्स है ना, दे आर परफेक्ट फॉर आईब्रोज ऑल्सो, ये वाला और ये वाला मिक्स करके. आई कुड हैव यूज्ड इट बट आई जस्ट वांटेड टू शो यू गाइस स्विस ब्यूटी का आईब्रो पाउडर, हेंस आई लव इट. आई रियली लाइक दिस पैलेट और आप देख ही रहे हो मेरे फेस पे सब कुछ. फाइनली लिपस्टिक के लिए मैं यूज करूंगी CVB की सॉफ्ट मैट लिप क्रीम. दिस इज इन द शेड क्रेल, एक बहुत ही ब्यूटिफुल सा न्यूड शेड है ये. इट्स अ लिप क्रीम तो उस चीज को ध्यान रखिएगा, इट डजेंट लाइक ट्रांसफर भी होती है ये एंड बहुत देर में ड्राई आउट होती है. मेकअप को मैं सेट कर लूंगी यूजिंग मार्स का मेकअप फिक्सर. नाउ अ लॉट ऑफ यू गाइज आस्क मी ये अच्छा है ड्राई स्किन के लिए कि नहीं. इट इज़ वेरी गुड, इट इज ऑलमोस्ट रोज वाटर. इसमें कोई पैराबेंस नहीं है, इसमें सिर्फ कोई पैराबेंस नहीं है, कोई अल्कोहल नहीं है, सबसे अच्छी बात. सो अगर आप ट्राई आउट करना चाहते हो समथिंग विच डजेंट हैव अल्कोहल, आप ये ट्राई आउट कर सकते हो. बट इस चीज़ का ख्याल रखिए कि अल्कोहल जो होता है ना किसी भी मेकअप प्रोडक्ट में मिलाया जाता है टू इंक्रीज द लॉन्जिटिविटी ऑफ योर मेकअप. सो अगर इसमें मेकअप इस वाले फिक्सर में अल्कोहल नहीं, दैट मीन्स ये उतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा जितना कि एक अल्कोहल बेस्ड मेकअप फिक्सर होगा. जैसे हुडा ब्यूटी का मेकअप फिक्सर है उसमें बहुत सारा अल्कोहल है एंड दैट इज व्हाई इट इज लाइक ऑल डे योर मेकअप विल बी ऑन योर फेस. तो अगर आपको ऐसा कोई मेकअप फिक्सर चाहिए जो आपके मेकअप को एकदम लॉक इन कर ले, देन अफोर्डेबल में अगर आप लेना चाहते हो तो आप कलर फील का ले सकते हो, इट इज अमेजिंग. बट अगर आपको अल्कोहल फ्री चाहिए, पैराबेन फ्री चाहिए, यू कैन गो फॉर दिस वन. सो इससे मैं अपने मेकअप को सेट कर लूंगी. ओके सो दिस इज द फाइनल लुक. आई एम रियली हैप्पी, मेरा ब्लशर कॉन्टोर इज लुकिंग रियली नाइस. आई शेडो ऑब्वियसली दोनों आंखों का डिफरेंट है तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती हूँ, बट यू बी द जज एंड टेल मी हाउ दिस वॉज. एंड प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है आई नो, बट द क्वालिटी इज रियली गुड, यू कैन टोटली सी इट. मैं मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ एंड हैंस हो सकता है कि मेरे आई शेडोज उतने ब्लेंडेड आपको शायद ना लग रहे हों, बिकॉज आई डो नो, आई ट्राई टू डू माई बेस्ट बट आई एम हैप्पी विद वॉट एवर आई हैव डन. आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना, गुड बैड वॉट एवर बी इट. सो कॉमेंट ज़रूर करना, लिंक सारे के सारे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंशन कर दूंगी और कॉमेंट करके भी पिन कर दूंगी, बिकॉज आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझे बोलते हो लिंक्स नहीं मिल रहे हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा. सो कॉमेंट पिन भी कर दूंगी जस्ट इन केस. एंड या दिस इज द फाइनल लुक. आई एम सो हैप्पी, लुक एट माई स्किन, हाउ गुड दैट लुक्स. ओके अपनी मुँह मियाँ मिट्टू. सो या So with that we come to an end of this video. I hope you guys enjoyed it. Agar acha laga hai to like, share, subscribe and comment zarur karna, batana kaisa laga. And I will see you guys in my next video. Till then take care. Bye.